हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज है संडे, संडे में होता है हमारा संडे कमेंट बॉक्स। तो मैंने दोस्तों मॉर्निंग में ही अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल करके कहा था कि आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारा आप सबका क्वेश्चन आया है और इस बार का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को मज़ा आएगा थोड़ा आंसर सुनने में। तो गाइस बने रहे एंड तक वीडियो पर, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपका कोई भी सवाल होती है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा आपके सवाल का आंसर करने की, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखना। मैं कोई कोई वीक में इंस्टाग्राम से भी क्वेश्चन को पिक कर लेता। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आया है, वो आया है समीर सैम की तरफ से। ये बोल रहे सर जी, बिना चैनल मोनेटाइज 100K सब्सक्राइबर पर सिल्वर प्ले बटन मिलेगा या नहीं, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। इनका कहना है कि अगर चैनल मोनेटाइज नहीं रहेगा तो 100K सब्सक्राइबर में सिल्वर प्ले बटन मिलेगा या नहीं। तो जी बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि YouTube का जो अवार्ड होता है सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, उससे उसका जो है सब्सक्राइबर सॉरी मोनेटाइजेशन कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपका चैनल पे वो माइलस्टोन कंप्लीट होगा, आपको अवार्ड मिल जाएगा। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पूछा गया है शिवम महतो की तरफ से। शुभम महतो ये बोल रहे हैं, मनोज भैया आप ब्लॉग चैनल वीडियो कब अपलोड करेंगे, मेरा मॉम इंतजार में है। तो ब्लॉग पे चैनल पर मेरा बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो भाई सॉरी इसके लिए, क्योंकि कुछ दिनों से मैं टेक चैनल पर बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। 2-3 वीडियो पर डे शूट करना पड़ता है, कुछ ब्रांड्स का भी जो है प्रेशर रहता है इस वजह से। बट ब्लॉग जो है कल या परसों में एक ब्लॉग आ जाएगा, ठीक है, शूट किया हुआ है कंप्लीट। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पूछा गया है विष्णु सरस्वत की तरफ से। ये बोल रहे हैं गूगल एड्स कब यूज करें, प्लीज रिप्लाई जरूर देना। गूगल एडवर्ड आपको यूज तब करना चाहिए जब आपका न्यू चैनल है, आपने वीडियो बना बना करके थक गया है, फिर भी आपका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप गूगल एडवर्ड के थ्रू अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछा गया है एक्समार्टी वीवो की तरफ से। ये बोल रहे हैं भाई इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करने का सही टाइम प्लीज रिप्लाई मी। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कहा था कि इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करने का सही टाइम है इवनिंग के टाइम पे। आप 5 बजे के बाद से रात के 8 बजे तक आराम से डाल सकते हो, इस टाइम रीच ज्यादा मिलने की संभावना बनी रहती है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछा गया है अभिरॉय की तरफ से। ये बोल रहे हैं खान सर के ऊपर क्यों वीडियो बनाए, आपने तो आप तो टेक रिलेटेड बनाते हो ना। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए खान सर से रिलेटेड मैंने वीडियो जो बनाया है वो भले खान से रिलेटेड है, लेकिन मैंने उस पर भी आप लोगों को कुछ नॉलेज देने की ही ट्राई किया है। आप वीडियो को देखोगे तो मैंने उस पर बताया है कि अगर आपके भी साथ कभी ऐसा होता है, आप कभी इस तरह का फेमस होते हो, पॉपुलर हो जाते हो यूट्यूब पे, तो आपके भी साथ कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव वीडियोज बनना शुरू हो जाएगा, तो इससे हमें माइंड नहीं करना चाहिए। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछा गया है मिलियन डॉलर बॉय यूट्यूब फैनफेस्ट कब होगा भाई। तो भाई इस चीज़ का तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है। YouTube का फैनफेस्ट हर साल जो है अप्रैल के मंथ में होता है, इस साल भी अप्रैल में होने वाला था बट नहीं हुआ, और 2020 में भी नहीं हुआ। रीजन है कोविड, कोविड जो है 2020 में आया था जिस वजह से नहीं हुआ, 20 में भी 21 में भी नहीं हुआ। अब देखते हैं 22 में होगा या नहीं। मैं तो एक ही बार अभी तक YouTube फैनफेस्ट में गया हूँ, 2018 या 19 पे गया था शायद, उसके बाद से YouTube फैनफेस्ट हुआ ही नहीं ये कोविड आने के बाद। तो देखते हैं नेक्स्ट कब होता है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पूछा गया है जस की तरफ से। ये बोल रहा भाई 2 मिलियन कब होंगे। तो भाई आप लोग जितना जल्दी चाहोगे उतना जल्दी हो जाएगा 2 मिलियन, क्योंकि 70% जो है ऑडियंस है जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जब वीडियो देखते हो आपको कुछ सीखने को मिलता है, वीडियो अच्छा लगता है देखने में, तो सब्सक्राइब बटन दबाने में आपका क्या लग जाता है। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोज अगर रेगुलरली वॉच करते हो मेरे चैनल के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। 2 मिलियन जल्द हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है ज्ञान सतीश की तरफ से। गुरुजी यदि हम वीडियो गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं तो उस वीडियो पे अर्निंग होगा या नहीं, जब एड्स लगा हो। नहीं होगा इसका आंसर है, ठीक है। गूगल एडवर्ड के थ्रू जब आप अपने किसी वीडियो को प्रमोट करते हो तो उसका जो भी व्यूज आता है उस पर आपको अर्निंग नहीं होगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है रॉक ऋतिक की तरफ से। तुमको इंस्टाग्राम पे वेरिफिकेशन बैच कब मिलेगा। तो भाई इस चीज़ का तो मुझे भी बेसब्री से इंतजार है, वेरिफिकेशन का बैच कब मिलेगा, बट आई डोंट नो, क्योंकि मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम पे जो वेरीफाइड टिक होता है उसको मिलने का जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आप कितना भी पॉपुलर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, इंस्टाग्राम वाले आपको नहीं पहचानते। आपको इंस्टाग्राम वाले कब पहचानेंगे, जब आपका रिलेटेड आर्टिकल छपेंगे बड़े बड़े वेबसाइट्स पे। तो अभी तक मेरे रिलेटेड आर्टिकल है लेकिन बड़े बड़े साइट्स पे नहीं है, जो कि वर्ल्ड वाइड साइट्स होते हैं, इंडिया टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स, इस तरह का बहुत सारा है ना, तो वो सब में मेरा नहीं है जिस वजह से नहीं होता है। देखते हैं कब तक होगा, जल्द ट्राई करते हैं। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। पूछा गया है मुकेश कुमार की तरफ से। ये बोल रहे भाई आपको बाइक टूर में जाने का मन करता है कभी। देखिए मुझे बाइक तो ड्राइव राइड करने का उतना नहीं है शौक, ठीक है, बट एक जो है मैं देखता हूँ ब्लॉग, मोटो ब्लॉगिंग, वो है लद्दाख टूर। लद्दाख टूर जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी जाना चाहिए, मजा आएगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर और वहाँ पे असली मजा बाइक में ही घूमने का है। तो देखते हैं अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा मन हो तो बाइक राइड से भी हम लोग लद्दाख कभी जाएंगे और आप लोग को ब्लॉग भी देखने को मिल जाएगा, बट श्योर नहीं है, देखते हैं, अगर हो तो आप लोग को वीडियो तो मिलेगा ही।
चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। पूछा गया है MTM2P2P2, ऐसा नाम ही रखें इंस्टाग्राम का, ठीक है। ये पूछ रहे हैं ब्लॉग वीडियो रेगुलरली डालने की कोशिश करो भाई जी प्लीज, अच्छा लगता है। तो इसके लिए तो भाई हाथ जोड़ करके सॉरी, रेगुलर मैं ट्राई करता हूँ कि ब्लॉग्स आ जाए बट आ ही नहीं पाता है। टेक चैनल से मैं इतना ज़्यादा मतलब कि बिजी रहता हूँ कि मैं क्या बताऊँ, बट देखते हैं ट्राई ही करते हैं। हमेशा बोलते हैं कि हाँ रेगुलरली आएगा, फिर नहीं हो पाता, इसलिए प्रॉमिस नहीं करता, बस ट्राई ही करता हूँ। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पूछा गया है हसीम, ये बोल रहे हैं भाई कोई टॉपिक बताओ जिस पे वीडियो बनाया जा सके। देखिए टॉपिक आप क्या वीडियो बनाते हो ये तो मुझे भी नहीं पता, आपका चैनल का क्या कैटेगरी है, लेकिन एक चीज़ जो है उसको हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, वो होता है ट्रेंडिंग टॉपिक। अब ट्रेंडिंग टॉपिक पे मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपके चैनल से रिलेट नहीं करता है, फिर भी आप चाहो तो उस टॉपिक को अपने चैनल से रिलेट करवा सकते हो। लाइक ट्रेंडिंग में चल रहा था कि इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर बैन, तो अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो भी आप वो टाइटल अपने ब्लॉग पे लगा सकते थे, कोई ऐसा नहीं था। आप टाइटल लगा देते अब क्या होगा, इंस्टाग्राम ट्विटर बैन ? और ब्लॉग में आपका डेली लाइफ ब्लॉग रहता और इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा वहाँ पर बात कर लेते, तो वो ट्रेंडिंग के साथ आपने उसको रिलेट कर दिया। तो उसी तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक को हमेशा पकड़ के चलना, चाहे आपका कोई भी कैटेगरी का चैनल हो, आप चाहो तो उससे रिलेट करके कोई ना कोई वीडियो बना सकते हो, थोड़ा यहाँ माइंड का खेल है। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया विवेक सिंह की तरफ से, ये बोल रहा है आपका ड्रीम कार कौन सा है? तो भाई मेरा ड्रीम कार है फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर का, कभी हो जरूर होगा, ठीक है, और हो ही जाएगा, बस मेरा मन होना चाहिए, देखते हैं। ड्रीम कार वही है बट अभी फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर का लेने का कोई प्लानिंग नहीं है। अभी नेक्स्ट कार कुछ नॉर्मल सा ही कार आएगा, उसके बाद जो आएगा वो शायद से फॉर्च्यूनर ही होगा ब्लैक। तो आप लोगों को वीडियो तो हमेशा मिलेगा, सारा अपडेट मिलता रहेगा, डोंट वरी, बस चैनल से जुड़े रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उत्तम मोहंता की तरफ से, ये बोल रहे हैं भाई संदीप सर यूट्यूब पर और वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि संदीप माहेश्वरी जो के है उनका यूट्यूब चैनल 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, वो यूट्यूब पे शायद रेगुलर आप जो है वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, उन्होंने अभी क्लियर नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने अब अपना एक प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है sandeepmaheshwari.tv, वेबसाइट है जहाँ पर उनका वीडियोज़ आप लोगों को मिलेगा। ये करने का वजह यही है कि यूट्यूब पे एड्स आता है, अब जो है 1 जून से सबके चैनल पर एड आएगा चाहे वो मोनेटाइज रहे या ना रहे, और संदीप माहेश्वरी सर जो है उनको एड पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि उनके चैनल पर ऐड चले, जिस वजह से उन्होंने अपना ही साइट खोल लिया है। तो अब पता नहीं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे या नहीं, बट यहाँ तक अंदाजा है कि नहीं करेंगे, अगर ऐड आएगा तो वो नहीं करेंगे। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये पूछा गया है अमृत कुमार की तरफ से, ये बोल रहे हैं सब प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बैन हो रही है, आपका इस टॉपिक पर क्या विचार है? तो इनका कहना यही है इनडायरेक्टली कि यूट्यूब भी अगर बैन हो जाए तो आपका क्या कहना है। तो यूट्यूब अगर बैन हो जाए, सबसे पहली बात कि 90% चांस है कि यूट्यूब बैन नहीं होगा, 10% है कि हो भी सकता है, क्योंकि अभी YouTube पे एक चीज़ जो है तेज़ी से चल रहा है जिस वजह से मुझे लगता है कि बैन हो जाए कहीं, क्योंकि TikTok बैन हुआ था आप लोगों को पता है, और TikTok ही अब YouTube भी TikTok ही बन रहा है धीरे धीरे शॉर्ट्स वाला सेक्शन को डाल करके। जब तक शॉर्ट्स नहीं था तब तक YouTube प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा साफ सुथरा क्लीन एंड क्लियर था, बट अभी शॉर्ट्स आकर के यहाँ भी जो है क्रिंज कंटेंट अब आप लोग को देखने को मिल ही जाएगा, जितने टिकटॉकर हैं सब यहीं पर आ गए हैं, सब कोई अपना वीडियो डाल रहे हैं। तो अब पता नहीं फ्यूचर बताएगा क्या होगा नहीं होगा, अगर बैन हो जाए तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ठीक है, अब पता नहीं क्या करेंगे। सो गाइस इस वीक के संडे कमेंट बॉक्स में इतने सारे क्वेश्चंस थे, और जो कि सारे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और सारा इंस्टाग्राम से मैंने उठाया था। तो आई होप आज का ये आप लोग का कमेंट बॉक्स अच्छा लगा है, आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके रखो, इंस्टा से ही क्वेश्चन उठाऊंगा, अच्छा रहता है वहाँ पे, ठीक है, डायरेक्टली आप लोग पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूज़र नेम है manoj23, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।